आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी पश्चिम बंगाल की, दीदीगिरी पर उठ रहे सवाल की, बीजेपी के बंगाल बंद और डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए डॉक्टर्स के मार्च की बात होगी। डॉक्टर बेटी के इंसाफ को लेकर पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में भी आक्रोश जबरदस्त है। कोलकाता में जो कल छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और उसके खिलाफ आज बीजेपी ने 12 घंटे का पश्चिम बंगाल बंद बुलाया। इस दौरान बम से लेकर बंदूक तक सब गरजा। तो वहीं डॉक्टर्स ने आज एक बार फिर मार्च निकाला। ममता दीदी ने भी जमकर पलटवार किया। ममता बनर्जी ने भी मंच सजाया, माइक थामा, बीजेपी पर हमला किया, बीजेपी से लेकर नरेंद्र मोदी तक को ललकारा। सीबीआई जांच पर सवाल उठाए तो हड़ताली डॉक्टर्स को भी क्लियर कट मैसेज दिया। ममता बनर्जी ने कहा, डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ आज आपको एक एक डिटेल बताऊंगी। ममता बनर्जी ने क्या कहा बताऊंगी। आज भारत माफ कीजिएगा, कोलकाता बंद की जो कॉल बीजेपी ने दी थी वो कितनी कामयाब रही, कितना संघर्ष मैदान पर दिखाई दिया, वो तमाम तस्वीरें रखूंगी आपके सामने। लेकिन सबसे पहले बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, राष्ट्रपति के उस कमेंट की जिसमें वो पश्चिम बंगाल को लेकर चिंतित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता कांड पर कहा कि मैं निराश और भयभीत हूं। सोचिए जरा, देश की राष्ट्रपति ये कह रही हैं कि मैं भयभीत हूं, मैं निराश और भयभीत हूं, बेटियों के खिलाफ अब अपराध बर्दाश्त नहीं, बस अब बहुत हुआ। सोचिए जरा, देश की राष्ट्रपति हैं, महिला हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो ये कह रही हैं कि मैं निराश हूं, मैं भयभीत हूं। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति ये उनकी निराशा है, वो भयभीत हैं, बस अब बहुत हो गया। यही हम कह रहे हैं, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। 9 अगस्त को डॉक्टर बेटी के साथ जो हैवानियत और बर्बरता हुई उसके खिलाफ बंगाल में बवाल मचा हुआ है। कभी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कभी राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। शाम 6 बजे से लेकर 6 बजे तक, यानी कि अगले 3 घंटे और बंगाल बंद रहेगा। पिछले 9 घंटे में बंगाल बंद के दौरान क्या क्या हुआ इसके वानगी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। कहीं बीजेपी नेता की कार पर गोली चलाई गई, कहीं बीजेपी नेता की कार को उड़ाने के लिए बम रखे गए। कोलकाता से लेकर भाटपाड़ा तक, नदिया से लेकर मिदनापुर तक पश्चिम बंगाल में बंद का असर दिखने को मिल रहा था। तो इस वक्त ममता बनर्जी जबरदस्त बेचैन रही। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे, दुकानें बंद थी। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी आमने सामने हुए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर प्रोटेस्ट किया, ट्रेनों को बकायदा रोका गया। आइए सबसे पहले आपको दिखाती हूँ पश्चिम बंगाल के नोआपाड़ा की तस्वीर, वो तस्वीर जहां पुरुष पुलिस वाले बीजेपी की महिला नेता को घसीट रहे थे। आप देखिए, ये एक फीमेल आपको दिखाई दे रही है पुलिसकर्मी, ये देखिए तस्वीर, एक महिला पुलिसकर्मी है और चारों तरफ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, पुरुष पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। ये ममता दीदी की पुलिस है। बीजेपी की जिस महिला नेता को घसीट कर ले जाया जा रहा है उनका नाम है फाल्गुनी पात्रा। वो पश्चिम बंगाल बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। बंगाल बंद के दौरान अपने समर्थकों के साथ आज वो प्रोटेस्ट कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता को रोका तो बीजेपी नेता फाल्गुनी पात्रा और पुलिस के बीच बहस हुई। इन तस्वीरों में आप देखिए, खींचातानी हो रही है, तनाव दिखाई दे रहा है। आप देखिए, फाल्गुनी पात्रा को महिला पुलिस ने घसीट दिया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आज कई जगहों पर बैरिकेड लगा रखे थे। तस्वीरें कोलकाता के एमजीए बाजार रोड की इस वक्त आपके सामने रख रही हूं। कल पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ जिस तरीके का सलूक किया उसका गुस्सा आज भी सड़क पर दिखाई दे रहा था। प्रदर्शनकारियों ने वहां रखे बैरिकेडिंग को गिरा दिया। ममता सरकार और बंगाल पुलिस इस बंद को गैर कानूनी बता रही थी।
वो ये कह रही है कि ये बंद गलत है, राजनीतिक पार्टी बंद नहीं बुला सकती है। लेकिन आज बंद को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका को कोलकाता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। भारत बंद का भी कॉल दिया गया था, आप याद करिए इस बात को, अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है, भारत बंद का कॉल था। और भारत बंद के कॉल में चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, राजस्थान हो, बंद का कॉल था तो बंद हुआ, ऐसा असर दिखाने की कोशिश हुई। लेकिन उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि राजनीतिक पार्टियां बंद का कॉल नहीं दे सकती, जबकि राजनीतिक पार्टियों का पूरा समर्थन उस बंद को हासिल था। आज जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बंद का कॉल दिया तो मामला राजनीतिक हो गया। सड़क पर बंगाल की पब्लिक थी तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पुलिस थी। कल कोलकाता पुलिस ने नवन्ना मार्च के दौरान छात्रों पर लाठियां बरसाई थी, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। छात्रों का केवल इतना कसूर था कि वो रेप पीड़िता के लिए इंसाफ की आवाज उठा रहे थे। कोलकाता पुलिस के एक्शन के खिलाफ बीजेपी आज शाम 6 बजे तक प्रोटेस्ट करेगी। कोलकाता के एमजी बाजार रोड की एक और तस्वीर आपको दिखा रही हूं, जहां बीच सड़क पर टायर जलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जिस डॉक्टर बेटी के साथ रेप और मर्डर की घिनौनी वारदात हुई, माता पिता को इंसाफ देने की मांग कर रहे हैं। आज नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता आम लोगों के साथ मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए यहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आज जिस नंदीग्राम में पुलिस ने रेप और मर्डर के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए लोगों पर लाठियां चलाई है, उन्हें चुप कराने की कोशिश की गई है। कभी उसी नंदीग्राम में आंदोलन करके ममता बनर्जी ने बंगाल से वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका था। लेकिन आज वक्त बदल गया है, आज नंदीग्राम में ममता के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और दमन करने का काम कौन कर रही है, खुद ममता सरकार कर रही है। बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान जमकर हिंसा भी हुई, कहीं पुलिस तो कहीं पर टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी पर अटैक कर रहे थे। लेकिन बंगाल के भाटपाड़ा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जब विरोध प्रदर्शन में पहुंचे बीजेपी नेता को टारगेट करके उनके कार पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 बार गोलियां दागी गई। प्रोटेस्ट में पहुंचे बीजेपी नेता की प्रियंगो पांडे कार पर 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि गनीमत यह रही कि प्रियंगो पांडे बाल बाल बच गए, लेकिन गोली लगने से कार में बैठे हुए उनके एक समर्थक के घायल होने की खबर है। आप वीडियो देखिए, कार के सामने 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैमरे में कैद हुए हैं। किसी के हाथ में पत्थर है तो एक के हाथ में गोली है, जो कार पर लगातार एक के बाद एक दनादन चलाता गया। इस दौरान पत्थर भी फेंके गए। ये तो किस्मत थी कि दोनों की जान बच गई जो कार के अंदर सवार थे। बीजेपी नेता की कार की तस्वीर आप देखिए, निशाना नहीं चूकता तो बड़ी अनहोनी हो जाती। ये बीजेपी नेता प्रियंगो पांडे की वही कार है जिस पर फायरिंग की गई थी। आप कार की तस्वीर देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं।
जो गोली उनके कार पर चलाई गई थी उससे कार के शीशे में छेद हो गए हैं। प्रियांगु पांडे का कहना है कि उन पर पहले बम से हमला किया गया था। यह हमला पुलिस के मिली भगत से हुआ था। पुलिस ने ही हमलावरों को उनके आने की जानकारी दी थी और जिस वक्त बीजेपी नेता पर फायरिंग हुई वह हमलावर कैमरे में कैप्चर हो गया। प्रियांगु पांडे की गाड़ी पर बम और गोलियों से हमला हुआ है। ये वो स्कॉर्पियो है जिससे आप देखिए प्रियांगु पांडे जा रहे थे। सामने के शीशे पे आप देख रहे होंगे बम से हमला हुआ और उसके बाद शीशे पे ही तीन बुलेट्स के निशान हैं। आप देखिए ये पहला बुलेट का निशान है, एक दो तीन, जो फायरिंग लगातार हुई है जिसमें ड्राइवर घायल हुआ है वो ये जो बुलेट लगी है वो उसके सर के पास से छूते हुए बुलेट निकली है। उसमें जो प्रियांगु पांडे का जो ड्राइवर था वो तुरंत घायल हो गया और उसके बाद ताबड़तोड़ इस पर बम से हमला हुआ है। शीशे की आप हालत देख रहे हैं, बुलेट्स के साफ तौर पर निशान दिखाई दे दिया जा रहा है कि किस तरीके से प्रियांगु पांडे पर हमला किया गया। प्रियांगु पांडे का आरोप है कि इस हमला करने वालों में रोहिंग्या बांग्लादेशी जो है वो तमाम लोग शामिल हैं। ये जो गोली है बुलेट ये देखिए ये सीधे यहां से जो है ये इसमें फंसी हुई है बुलेट। ये देखिए आप बुलेट, ये जो शीशे के पास जो बुलेट लगी हुई है ये अभी भी यहां पर फंसी हुई है। यहां पर जहां पर गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है बुलेट आपको साफ दिखाई दे रही होगी कि ये बुलेट अभी भी इसमें फंसी हुई है। एक दो तीन, तीन स्पॉट हैं इस शीशे पे जो बुलेट्स के निशान साफ तौर पे दिखाई देते हैं कि किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उस फायरिंग में प्रियांगु पांडे को जान से मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि प्रियांगु पांडे इस पूरी घटना में बच गए, लेकिन प्रियांगु पांडे का कहना है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने बाकायदा फिल्मी स्टाइल में गाड़ी के सामने एक व्हील लगा के और उसके बाद अचानक से 20-25 लोगों ने हमला किया। पहले बम मारे 6-7 और उसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। क्यों करना शुरू कर दिया किसी को नहीं पता, लेकिन प्रियांगु पांडे का कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम पुलिस अधिकारियों के सामने हुआ। जिस वक्त पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे उस वक्त ये सारी घटनाएं हुई हैं और अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है लेकिन अन्य लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन यह घटना वाकई में दिल दहला देने वाली है। बुलेट साफ तौर पर अभी भी फंसी हुई है उसमें दिखाई दे रही है और इसी गाड़ी में प्रियांगु शामिल होकर जा रहे थे तमाम लोगों से मुलाकात करने के लिए और उसके बाद इस घटना ने इस पूरे पश्चिम बंगाल में लोगों को आक्रोशित कर दिया है। भाटपाड़ा में अर्जुन सिंह लगातार इस पूरे घटना का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भाटपाड़ा में जिस जगह पर बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग हुई थी वहां बम के खोखे भी मिले हैं। पुलिस ने बीजेपी नेता की कार के ठीक पास से खाली बम के शेल बरामद किए हैं, यानी यहां पर बम भी चलाए गए थे और बम भी रखे गए थे। मर्डर का पूरा प्लान तैयार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी नेता का आरोप यह है कि उन पर गोली चलाने वाले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे। प्रियांगु पांडे पर जो गोली चलाई गई है वो उनकी कार के शीशे में फंस गई है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ये तो टारगेट करके फायरिंग थी। इसका मतलब था कि प्रियांगु पांडे वहां पर पहुंचने वाले हैं, इस बात की इतला इन हमलावरों को थी। और ये हमलावर आखिर कौन थे? आप लगातार आज सुबह से नेताओं को सुन रहे हैं, उनके आशंकाओं को सुन रहे हैं। उनका कहना यह है कि जिस स्पॉट से एसीपी महज 70 मीटर की दूरी पर हो वहां पर किसी की हिम्मत कैसे हो गई कि फायर कर दिया जाए और एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 राउंड फायरिंग हुई। ये तो किस्मत रही कि जान बच गई। और बुलेट भी आप देख रहे हैं जो इस वक्त कार के शीशे में दगी हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें आप देखें। ममता बनर्जी आज की तारीख में ये कह रही हैं कि सीबीआई के पास केस जाते ही ये केस पानी में चला गया, लेकिन इस वक्त उनके खुद के राज्य में क्या हो रहा है? ऐसी नौबत क्यों आई कि एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर की वारदात उसी जगह हो जाए जहां पर वो काम करती है? क्यों सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि वर्क प्लेस में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज को यह कहना पड़ा कि मैंने 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा? यह भी तो इसी पश्चिम बंगाल को लेकर टिप्पणी थी। आज ममता बनर्जी कह रही हैं कि सीबीआई ने 16 दिन में कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या किया? ये तस्वीरें वो भी देखें। इस गाड़ी के अंदर प्रियांगु पांडे बैठे हुए थे जिस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ। देखिए खून के तमाम ब्लड स्टेन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और सबसे बड़ी बात जो फायरिंग हुई है इनके ऊपर शीशे में आपको बुलेट्स आपको दिखाई दे रहा होगा वो देखिए। चुन्नी के पास एक बुलेट अभी भी इस गाड़ी में शीशे में फंसा हुआ है और ये तीन बुलेट के स्पॉट है। ये देखिए एक दो और वो तीसरा
सामने जो आप देख रहे हैं वहां पर बुलेट जो गोली है वो अभी भी वहां पर फंसी हुई है। इसमें 3 से ज्यादा फायरिंग हुई है जैसा कि प्रियांगु पांडे का कहना है, और शीशे जो पूरी तरीके से आप देख रहे हैं जो चिटके हुए हैं, ये बम चलाया गया है इनकी गाड़ी के ऊपर। हालांकि ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गया है, गोली जो है उसके सर से छू के निकली है और उसके बाद उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जानबूझ के घेर के प्रियांगु पांडे पर यह हमला किया गया सुनियोजित साजिश की तरीके से ताकि से उनको कत्ल किया जा सके। और इस पूरे घटनाक्रम में प्रियांगु पांडे ने कहा है कि जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया वो कहीं ना कहीं रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, उनको चिन्हित किया गया है, उनका नाम भी प्रियांगु पांडे बता रहे हैं। आनंद फानंद में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन प्रियांगु पांडे का कहना है कि जानबूझ के उनको मारने की कोशिश की गई है, साजिश रची गई थी और जितने भी मारने वाले लोग थे वो रोहिंग्या मुस्लिम थे। जिस शख्स ने फायरिंग की उसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। इस हमले में बीजेपी नेता का ड्राइवर जख्मी हो गया है। बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे का कहना है कि उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, पुलिस की मिलीभगत से बदमाश उनका मर्डर करने वाले थे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई। प्रियांगु जी, किस वक्त आपके ऊपर फायरिंग हुई है और ये कौन लोग थे फायरिंग करने वाले? सुबह 8:15 में मैं अपने निवास स्थल भाटपाड़ा से बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह जी के ऑफिस की ओर आ रहा था। यहाँ से ही 8:30 बंद के समर्थन में एक हमारी रैली निकलनी थी, हम अपनी चार गाड़ियों को लेकर आ रहे थे। घर से निकले 3 मिनट मात्र हुआ होगा, एंग्लो इंडिया जूट मिल क्रॉस करके एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के पास पहुंचा हूँ। ठीक उसी समय लोकल म्यूनिसिपैलिटी भाटपाड़ा नगर पालिका की एक जेटिंग मशीन आकर के रास्ते को घेर देती है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, गाड़ी हमारी रुक जाती है। ठीक उसी समय लाइन बाउंड्री से 50 से 60 लोग निकलते हैं और लगातार बम जलाना शुरू करते हैं। पूरा धुआं धुआं हो जाता है, कुछ भी दिखता नहीं है। एक गाड़ी पे मेरा फ्रंट में जो बम गिरा था वो बम फटा नहीं है, बाद में पुलिस को मिला भी है, मैं देख रहा हूँ रिकवरी की है 2 बम को। उसके बाद जैसे रिवर्स करके हम लोग जो है प्लान करते हैं निकलने का, तब तक जो है गोलियां चलना शुरू होता है। एकदम फ्रंट पे मेरे आ करके 3-3 गोलियां मेरे जो है एकदम फ्रंट कांच के पास आके चलाया है। एक गोली जो है डायरेक्टली मेरे ड्राइवर को एकदम सर में यहाँ पे टच करते हुए निकला, दूसरी गोली हमारे पीछे बैठे हुए थे हमारे सहकर्मी, हमारे मित्र हैं, भाई हैं, रवि सिंह जी को, और तीसरी गोली जो है गाड़ी के सामने ही कांच में एकदम पड़ी हुई है। 500 मीटर रिवर्स में लोग गाड़ी करके भागे हैं और वहीं पे पास में एसीपी खड़ा था लेकिन सामने नहीं आया। ये टोटली जो घटनाक्रम है ये 3 मिनट के अंदर जो है नहीं हुई है, ये पहले से प्री प्लान था। इस पूरे घटना में यहाँ के सांसद और जगदल एमएलए के साथ साथ पुलिस भी जुड़ी थे। ये टोटल चक्रांत था मेरे मर्डर करने का। बताया इसमें रोहिंग्या मुस्लिम्स शामिल थे totally जो जिन्होंने फायर किया, टोटली रोहिंग्या है, सभी के हाथ में जो है बम और मशीन था। आपकी हत्या करने की साजिश रची, हत्या करने रूप से मर्डर करने का प्लान था। बंगाल की सुरक्षा मेरे पास तो विड्रॉ हो गई, पहले सुरक्षा कम किया गया, बाद में टोटली विड्रॉ कर लिया गया और आज ये घटना घटी। बीजेपी नेता पर फायरिंग के मामले में बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि टीएमसी ने बीजेपी नेता की हत्या की साजिश रची है। फायरिंग पुलिस के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में हुई है। एक दिन पहले छात्रों का उग्र प्रदर्शन और दूसरे दिन बीजेपी ने आधे दिन का बंद का आह्वान किया। इस वक्त हमारे साथ अर्जुन सिंह जी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर, बंद का आह्वान हुआ है लेकिन आपके इलाके में तो गोलीबारी हो रही है। हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे इलेक्शन एजेंट भी रहे हैं प्रियांकु पांडे जी, एक जुलूस निकालने वाले थे, हम लोग उसी के सिलसिले में आ रहे थे 8:30 करीब। तब तक उन पर एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के पास जेजेआई जुटमिन गेट के बगल में पूर्व परिकल्पित प्रोग्राम के तहत म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन का गाड़ी लगाकर और गाड़ी को धीमा करके उन पर बम चलाया गया पहले, उसके बाद गोली चलाई गई। गोली ड्राइवर के बगल से गुजरी है लेकिन ड्राइवर साहस दिखाते हुए बैक गियर में चलना शुरू हुआ था, तो पीछे बैठे एक रवि सिंह उनको गोली भी मारी गई, उन पर बम भी चलाया गया, वो बुरी तरह से जख्मी है, उनको हम लोग भेजे हैं। सारे वीडियो फुटेज मैंने आपको भेज भी दिया अभी। कौन लोग हैं ये? सोमनाथ श्याम यहाँ के जो विधायक हैं और वहाँ के लोकल जो अपराधी हैं, टिपुआ, राज पांडे, अंडवा, सोनवा, टिपुआ का साला है, उसमें और भी कई हैं, 20-25 आदमी थे। और सबसे मजे की बात है कि एसीपी की उपस्थिति में ये घटना घटी है।
भाटपाड़ा में जहां गोली चली वहां पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस का कहना यह है कि बीजेपी नेता पर गोलीबारी करने के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। आलोक राजौरिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बैरकपुर में गोली चली है, एक बड़ी घटना हुई है और पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट भी किया है, कौन लोग हैं? नहीं, ऑलरेडी हम लोगों ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है। लोग जो हैं इलाके के वासी हैं, उसी इलाके के लोग हैं और किन कारणों से गोली चली है वो हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है, उसमें बहुत जल्दी ये सामने आएगा। और जो बाकी के लोग हैं हम वीडियो फुटेज की जांच कर रहे हैं, उसको देख के बाकी के लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। थैंक यू। प्रियांगु पांडे कह रहे हैं कि जबरदस्त हत्या की साजिश। मैं किसी के एलिगेशंस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैंने आपको जो तथ्य हैं वो बता दिए। इलाके में शांति है, आप फ्लैग मार्च कर? बिल्कुल शांति है। देखिए, इलाके को आश्वस्त करने के लिए, क्योंकि एक घटना हुई है और हम हमेशा से ही भाटपाड़ा जगदल जो है उसको अलग नजरिए से देखते हैं और हम पूरी तरह से तत्पर रहते हैं। खासकर आज बंद का जो कॉल किया है एक पॉलिटिकल पार्टी ने, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो है तैयारियों का एक हिस्सा है फ्लैग मार्च करना। बीजेपी के इस बंद को फ्लॉप करने के लिए पूरा सरकारी अमला आज लगा रहा। कल ही बंगाल सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को अल्टीमेटम दे दिया गया था कि कोई भी गैर हाजिर नहीं रहेगा, किसी को भी कैजुअल लीव नहीं मिलेगी। बावजूद इसके आज बंगाल के कई जिलों में बंद का असर दिखाई दिया। तस्वीरें आपको दिखाती हूँ दिनाजपुर की। बीजेपी कार्यकर्ता 20 सड़क पर आगजनी कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो फिर झड़प हो गई। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आखिरकार हिरासत में ले लिया। एक और तस्वीर देखिए आसनसोल की। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने निकले, टीएमसी के कार्यकर्ता ने उन पर अटैक कर दिया। यह हमला पुलिस की मौजूदगी में उनकी आंखों के सामने हुआ। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस की मौजूदगी में ही भिड़ गए, दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश जरूर की। अब कितनी कामयाबी मिली और कितनी नहीं वो आपके सामने है। बंगाल के तुमलुक में भी जबरदस्त बवाल हुआ। तुमलुक में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं टीएमसी के वर्कर्स के बीच में भिड़ंत की एक तस्वीर आपके सामने रख रही हूँ। उस वक्त जब बीजेपी के कार्यकर्ता इस बंद के समर्थन में आम लोगों से भी जुड़ने की अपील करने के लिए निकले तो टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पहले से डटे हुए थे। पश्चिम बंगाल के नादिया की तस्वीर देखे, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर भी झड़प हुई। सड़कों पर उतरे बीजेपी वर्कर्स से टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए, दोनों के बीच झड़प हुई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। ये मारपीट केवल हाथापाई तक ही नहीं बल्कि लाठियों से भी हुई। उत्तरपाड़ा में भी संघर्ष हुआ। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के उत्तरपाड़ा मंडल अध्यक्ष संजय बनिक और दूसरे कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, उन्हें घायल किया गया। बीजेपी का आरोप यह है कि यह हमला टीएमसी के पार्षद संदीप दास के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन बीजेपी वाले पीछे नहीं हट रहे, वो भी टीएमसी कार्यकर्ताओं को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। और यही संघर्ष इस वक्त पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में दिखाई दिया। बीजेपी चाहती है कि 12 घंटे के बंद का पूरा बंगाल में व्यापक असर देखने को मिले। बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह रोड जाम कर रहे हैं। कोलकाता के टाला ब्रिज और मिदनापुर में ट्रैफिक रोकने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर आगजनी भी की। हालांकि इस आगजनी को सपोर्ट तो नहीं किया जा सकता क्योंकि बात कोलकाता बंद की थी, बात पश्चिम बंगाल बंद की थी। अगर इसमें आम लोगों का समर्थन हासिल होता वो खुद ही सड़कों पर निकल आते, खुद ही दुकानें बंद रहती जो कि ज्यादातर इलाकों में दिखाई भी थी। ऐसे में बिदनापुर में सड़क पर टायर क्यों जलाए गए, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। टीएमसी के गढ़ कोलकाता में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्यामा बाजार मेट्रो स्टेशन का शटर गिरा दिया, बीजेपी के झंडे लेकर जमकर नारेबाजी की और बाद में पुलिस ने आकर बीजेपी वर्कर्स को यहां से हिरासत में ले लिया। बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल में केवल सड़कों पर ही नजर नहीं आ रहे हैं, कई जिलों में ट्रेन रोको अभियान भी चल रहा है। 12/7 नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, ट्रेन रोक दी गई। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पहुंचे। हुगली में भी बीजेपी वर्कर्स ने पटरी पर लेटकर ट्रेन को रोका है।
आज एक तरफ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बंद बुलाया तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस छात्र संघ का स्थापना वर्ष मना रही है। इस दौरान मंच पर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी मौजूद रही। ममता बनर्जी ने जब माइक थामा तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक नहीं दो नहीं बल्कि ताबड़तोड़ अटैक पर अटैक किए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक धमकी भी दे दी कि अगर बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हुई तो उनकी कुर्सी भी हिल जाएगी। मन करदेश के भलोबासी मत कथा बोले संस्कृति संस्कृति एक কিন্তু মনে রাখবেন বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদীবাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। চেয়ার দখলের লড়াই ক্ষমতা থাকলে ভোটে যাও, গুলি নয়, ডেড বডি নয়, লাশ নয়, ক্ষমতা তোমাদের হাতে। কেন করছো না ফাঁসির জন্য যে এইসব ধর্ষণ করলে ফাঁসি হবে? কেন এই আইনটা করছো না? অভিষেক যেটা বললো আমি তো সেটা লিখেছি। আমি এখনো বলি নরেন্দ্র মোদী আপনার পার্টি কতটা আমায় চেনে আমি জানি না, কিন্তু আমি এটা মনে করি যতই ফান্ডিং করুন, অনেককেই ফান্ডিং করছেন আপনারা, খবর আমরা রাখি, মনে রাখবেন ওই ফান্ডিংকে আমরা এন্ডিং করে দেব। दीदी ने मंच से प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को भी धमकी भरे अंदाज में ही प्रोटेस्ट वापस लेने की अपील की। साथ ही ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने पूछा कि 16 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक सीबीआई के हाथ खाली क्यों हैं? वो अलग बात है कि ममता बनर्जी ने यह नहीं कहा कि सीबीआई के पहुंचने से तो पहले ही मौका वारदात का स्थान पूरी तरीके से साफ कर दिया गया था। खैर, वो तो सीएम है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सीबीआई के हाथ खाली क्यों हैं? उन्होंने दोषी को फांसी देने की भी मांग साथ ही साथ उठा दी। आज के कतो दिन हलो, नौ थेके आज के कतो दिन हलो, नौ तारीखे पुलिस डेड बॉडी पे छे, दस तारीखे रात तीनटे नागा डेड बॉडी क्रिमेशन हो छे, सारा रात जगे काज करे छे, आमी निजे 11 তারিখটা বাদ দিয়ে তার কাজ ছিল বলে 12 তারিখে সকালে তাদের বাড়িতে গেছি, তার বাবা মাকে বলেছি বলুন আপনারা কি বলতে চান, আপনারা আমাদের কাছে কি কি চান, আপনাদের কি কি দাবি। আমি পুলিশ কমিশনারকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম, তার আগে যে কেসটা দেখছে আমাদের পুলিশের, তিনি সমস্ত ভিডিও রেকর্ডিং দেখিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ দেখিয়ে সব রিপোর্ট তার বাবা মাকে দেখিয়ে এসেছিল। আমি শুধু বলেছিলাম আজকে সোমবার, আমাকে শনিবার পর্যন্ত টাইম দিন, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি 5 দিন, মঙ্গলবারের মধ্যে সিবিআই হয়ে গেল। তার মানে ওরা বিচার চায় না, কেসটাকে জলে ফেলে দিল। আজ কদিন হলো, আজ কদিন হলো ঘটনা ঘটে, ওরা পেয়েছে মঙ্গলবার, সিবিআই অর্ডার হয়েছে কোর্টে সম্ভবত মঙ্গলবার, তাই তো? সন্ধ্যেবেলায় কাগজপত্র পেয়ে গেছে, তারপরে মঙ্গলে মঙ্গলে 8, আর একটা মঙ্গলে 15, আজকে বুধবার 16, 16 দিন হয়ে গেল। কোথায় গেল বিচার? বিচার চাইতে হবে, বলতে হবে, বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই, বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই, ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, জবাব দাও সিবিআই।
टीएमसी में नंबर टू की हैसियत रखने वाले ममता बनर्जी के भतीजा टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी को धर्म का नाश करने वाला और सर्वनाश करने वाला बताया। फुल टीम के जरा आज के कर्मनाशा धर्मनाशा सर्वनाशा बंद के उपेक्षा करे जत दूर चोख जाच्छे शिक्षार प्रगति संगबद्ध जीवन एवं देशप्रेम कार जत जनसमुद्रे परिणत करेछे आमी तादेर सकल के धन्यवाद जानाच्छी। गतकाल भारतीय जनता पार्टी 12 घंटार बांगला बंद डेकेछिलो। आमरा जबे थेके 2011 साल थेके राज्य क्षमता एसेछी आम्रा बारे बारे बोलेछि आम्रा ई बंधेर राजनीतिर बिरुद्धे। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि वो बंद की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी तो बंद और प्रदर्शन की ही राजनीति करते हुए सत्ता में पहुंची है। आज वो सत्ता में है तो वो बंद की राजनीति के खिलाफ हो गए हैं, चाहे वो नंदीग्राम हो या सिंगोर। आज बंगाल बीजेपी के सभी बड़े नेता सड़क पर हैं, ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। पुलिस ने आज लॉकेट चैटर्जी, रूपा गांगुली समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। जब तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस पे गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है, विचार चाहिए, विचार खुद नहीं होने वाला है। जितना डिटेन करेंगे उतना लाखों लाखों लोग आएंगे। ये जनता का रोष है, ये जनता का आक्रोश है, जनता ने रास्ते के ऊपर आया है। पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल जो लोग तिलोत्तमा के विचार के लिए रास्ते के ऊपर आएगा वो लोग कोई पुलिस लोग रोक देंगे, लेकिन विचार जारी रहेगा। देखिए खाली खाली बस जा रहा, देखिए प्लीज ये दिखा दीजिए एक बार, दिखा दीजिए एक बार। चार लोग बैठे पूरे बस में, पूरा बस खाली है। मतलब लोग बोल रहे हैं, ये टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि बंद कुछ नहीं हुआ, लोगों ने माना नहीं, लोगों ने माना नहीं। हाँ माना है। जो टीएमसी के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं वो बस देखिए, छह लोग जा रहे हैं, 6 से 8 लोग जा रहे हैं उस बस में। मतलब जनता ने माना हमारा। इसमें देखिए 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 8 8 10 लोग एक बस में। हाँ जनता ने माना है। बीजेपी नेता सुकांतो मजूमदार ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कल शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर ममता बनर्जी के निर्देश पर ही पुलिस ने लाठियां चला दी। मजूमदार ने कहा कि डॉक्टर बेटी को न्याय तब मिलेगा जब ममता बनर्जी कुर्सी छोड़ेंगी। इस समय हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता सुकांतो मजूमदार हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि गोलीबारी हो रही है, आपके नेताओं के ऊपर गोली चली, आपने खुद गवर्नर को लेटर लिखा, क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए दो विषय है। कल एक नॉन पॉलिटिकल बैनर में पश्चिम बंगाल की छात्र समाज, उनके बुलावे पर पश्चिम बंगाल से बहुत सारे हिस्से से, सब जगह से नहीं लेकिन बहुत सारे हिस्से से हजारों की संख्या में लोग आए थे और लोगों ने नवान्नों का घेराव किया। ये पीसफुल डेमोक्रेटिक जो एजिटेशन था कल, उसके ऊपर ममता बनर्जी की निर्देश से, ममता बनर्जी के आदेश से उनके ऊपर लाठियां भाजी गई, वाटर कैनन चलाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जब हमने इसका प्रतिवाद किया और उनको अरेस्ट भी किया गया, जब हमने इसका प्रतिवाद किया, हमने जब लाल बाजार का घेराव करने के लिए हम लोग गए थे, ऐसे हमारी घोषित कार्यक्रम नहीं थी, तो 1000 1200 2000 कार्यकर्ता होंगे, इनको लेके हम जा रहे थे कि इसका घेराव करेंगे, लाल बाजार में जाके स्टूडेंट को छोड़ने के लिए बोलेंगे। तब हमें भी रास्ते के बीच रोका गया, हमने वहाँ पे बैठने के लिए मजबूर हो गए। उसके बाद विदाउट एनी इंटीमेशन मेरे ऊपर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये जो स्थिति हुई है और उसके और वहाँ से मेरा तबीयत भी खराब हो गया था। तो कल छात्रों के ऊपर आक्रमण और स्पेशली मूल जो मुद्दा है हमारा, जो न्याय मिले, पीड़िता को न्याय मिला, न्याय तभी मिलेगा जब ममता बनर्जी कुर्सी छोड़ेगी। लेकिन यहाँ तो अब प्रियंगू पांडे कह रहे हैं, अर्जुन सिंह जो है उन्होंने भी इस बात को कहा कि गोलीबारी हुई आपकी जो नेता है उनके ऊपर। देखिए भाटपाड़ा में बीजेपी के एक नेता के ऊपर गोली चली है, ऐसा
मुझे भी ज्ञात हुआ है, लगभग 7 राउंड गोलियां चलाई गई। तो पुलिस का काम क्या है अगर पुलिस दिन दहाड़े गोलीबारी नहीं रोक सकती? और मैं आपको बताता हूँ, इतना लचर पुलिसी व्यवस्था है यहाँ पे, किसी को अरेस्ट नहीं करेगा। गोली चल गई, लोग आहत हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती है, फिर भी पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे लचर पुलिस यहाँ पे रख के जनता की टैक्स के पैसे से रखने का क्या क्या जरूरी है? अगर वो काम ही नहीं कर पाता, इधर पुलिस खराब है या पुलिस मंत्री खराब है? आज सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कोलकाता के डॉक्टर्स भी सड़कों पर है। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आरजीकर अस्पताल समेत सभी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर्स ने श्याम बाजार से धर्मतल्ला तक प्रोटेस्ट किया, दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग उठाई। हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, हिंदी में क्या लिखा गया? इसमें बोला गया है कि हम लोग अभी दुख नहीं बनाएंगे, हम लोग इसका प्रोटेस्ट करेंगे। जिस बोला गया अभी एंगर है उस जिसको प्रोटेस्ट में दिखाना है, वो सच के लिए दिखाना है, जस्टिस के लिए दिखाना है। तो आज आप लोग क्या करने वाले? हम लोग इसी चीज को लेके, इसी जो हमारा जो चार जो डिमांड था उसमें से कुछ भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, आज ऑलमोस्ट 20 डेज हो गया है, तो उसी के लिए हम लोग फिर से बोल रहे हैं ताकि हम लोग जस्टिस मिल सके। देखिए जस्टिस की मांग आप कही, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि अब हम शांति से प्रदर्शन नहीं करेंगे, अब हम जो प्रदर्शन है हमारा, वो आक्रोश हमारा जो गुस्सा है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जितने लोगों से हमने बात की है वो लोग ये क्या कह रहे हैं कि अब हमारा आक्रोश देखा जाएगा, यानी कि अभी तक हम लोग जो शांति से बैठे थे वो शांति नहीं, अब आक्रोश जो है वो अब हमारी तरफ से दिखाई जाएगी, क्योंकि बहुत देर हमने इंतजार कर लिया, अब ये इंतजार हमारा जो है वो अब खत्म होगा। क्या आप लोगों की मांग है? आप आरजीकर में अभी तक बैठे हुए थे, आज सड़कों पर क्यों आए हैं? यहाँ पे हम सड़कों पे आए हैं क्योंकि हम भैया का जो खूनी है वो भी अभी भी आजाद घूम रहा है, वो आजादी में कैसे घूमेगा जब, तो हम लोग कैसे सिक्योर फील करेंगे? उसका शास्ति पाने के लिए, उसको हैंग करने के लिए हम रास्ते में उतर रहे हैं। सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा आप लोगों? आज हम लोगों का जो मान है, शान है, जो डॉक्टर लोग हम लोग काम करते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी का एकदम 0% आ गया है। अब बंगाल के बाद आपको लेकर चलती हूँ गुजरात, जहाँ पर कुदरत का कहर टूटा है। पिछले 2 दिन से गुजरात में ऐसी बारिश हुई है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। वडोदरा से लेकर जामनगर शहर तक को पहचानना मुश्किल हो गया है। शहरों के रिहायशी इलाकों में कई कई फीट तक पानी भरा हुआ है। जहां गाड़ियां चलती थी आज नाव चलने जैसी नौबत आ गई है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। राज्य में अभी तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। हालात इतने विकट हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी सेना को तैनात करना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से पूरी रिपोर्ट ली है, उनसे राहत और बचाव के काम का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेंद्र पटेल को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बाढ़ पीड़ित लोगों को हर संभव मदद की अपील की है। वडोदरा, अहमदाबाद, जामनगर, द्वारका समेत कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस साल गुजरात पर बेकाबू मानसून का कहर टूटा है, लेकिन पिछले 2 दिन से जैसे बादल ही फट पड़ा हो। सबसे ज्यादा बर्बादी वडोदरा शहर में देखने को मिल रही है, जहां 36 घंटे के अंदर अंदर इतनी बारिश हुई कि शहर ही समंदर में तब्दील हो गया। वडोदरा की हाई राइज सोसाइटी में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़कों पर खड़ी हुई गाड़ियां अब डूबी हुई गाड़ियां कहलाई जाती हैं। अब आप देखिए जरा क्या हालात है पूरे के पूरे शहर के। सड़कों पर कई कई फीट तक पानी जमा हो गया है। केवल निचले इलाकों में ही नहीं बल्कि पॉश इलाकों में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। डिवाइडर डूबा हुआ है, सड़कें डूबी हुई है, कार डूबी हुई है। अब तो नौबत ही आ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर डूबने की नौबत आ जाए। गुजरात में हालात खराब है, लेकिन राज्य में तबाही का एपिसेंटर वडोदरा है, जहां घर डूबे हैं, दुकानें पानी पानी हैं, अपार्टमेंट लबालब पानी से भरे हुए हैं। विश्वामित्री नदी भी खतरे के निशान को पार करने के बाद कई गांवों में इस वक्त बाढ़ का पानी दाखिल हो चुका है। वडोदरा में अब तक 262 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। सोमवार को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक वडोदरा में 307 मिलीमीटर बारिश हुई। इतना पानी बरसा कि अजवा डैम ओवरफ्लो हो गया।
इस कारण विश्वामित्री नदी खतरे के निशान को पार कर गई। विश्वामित्री नदी के खतरे का स्तर 25 फीट है, लेकिन इस वक्त क्या आप जानते हैं कि पानी किस लेवल पर बह रहा है? 34 फीट पर, यानी तकरीबन 10 फीट ऊपर पानी पहले ही पहुंच चुका है। यहाँ पे पानी कमर कमर तक है, अभी हम सोसाइटी के अंदर भी नहीं घुसे हैं और इसके आगे जा पाना नामुमकिन है। हमें खुद सोसाइटी के जो लोग हैं यहाँ पे जो रहते हैं, उन्होंने ही पहले से मना कर दिया कि आप इसके आगे नहीं आएंगे, क्योंकि इसके आगे पानी का लेवल और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पूरा जो फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे अगर आप देखें पूरा फर्स्ट फ्लोर जो है इन घरों का पानी में डूबा हुआ है। लोग अपने अपने जो ऊपर वाले फ्लोर हैं वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। अगर आप देखिए सामने अपने ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, इस वक्त कोई मदद भी इन तक नहीं पहुंच सकती है। यहाँ पे अगर जाना भी हो तो अब बोट लेके ही आगे जाना पड़ सकता है। यहाँ सामने देखिए घर पे लोग अपना सामान शिफ्ट करके ऊपर चले गए हैं और नीचे पानी का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। जैसे जैसे अगर मैं आगे बढ़ूँगा, आप देखिए पानी का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये आपको मैं बता दूं कि हालत है इस वक्त बड़ौदा की कई सोसाइटीज़ की, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है पूरा एक एक फ्लोर जो है, ग्राउंड फ्लोर जो है, वो पूरी तरह डूब चुके हैं इन सोसाइटीज़ के। आइए अब आपको राजकोट की भी एक तस्वीर दिखाती हूँ। राजकोट में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद राजकोट में अजी डैम का जलस्तर बढ़ गया है। डैम ओवरफ्लो होने के बाद खतरे को देखते हुए डैम से पानी छोड़ा गया है और यही पानी अब शहर में दाखिल हो गया है। डैम से पानी छोड़ने का असर राजकोट में क्लियरली नजर आ रहा है। राजकोट में रामनाथ महादेव मंदिर में भी पानी दाखिल हो गया। नदी का पानी जिस रफ्तार से मंदिर परिसर में घुसा उसे देखकर आप डर जाएंगे। नदी का पानी पूरे शहर को डुबाने पर आमादा हो गया है। गली हो, मोहल्ला हो, अपार्टमेंट हो, दुकानें हो, हर तरफ पानी ही पानी है। आइए अब आपको गुजरात के एक और शहर मोरबी की तस्वीर दिखाती हूँ। गुजरात के मोरबी में जबरदस्त बारिश हुई। भारी बारिश के बाद मच्छू बांध के गेट खोल दिए गए। पानी भरने से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से जहां तहां गाड़ी फंसी हुई नजर आ रही है। अब ये ट्रक देखिए, लोडिंग ट्रक पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है।